Greetings, Hare Krishna. तो चलो देखिए तन्हा तेरे बगैर ओके ये हमारा टॉपिक और हम करने वाले हैं रीडिंग. हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है एंड दो ओरेकल. ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से एंड देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, क्या रीडिंग हमें मिलती है. जो पहला कार्ड मिला है वो है द फूल. ठीक है, यानी कि मेजर अरकाना से ही शुरुआत हो चुकी है. आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है. बेसिकली एक ऐसा पल जहाँ पे वो किसी को भी याद नहीं करना चाहता. यानी कि अगर इसका किसी के साथ मतभेद हुआ है या फिर मनभेद हुआ है या फिर बातें नहीं हो रही हैं, बहुत तड़प चुका है ये पर्सन, तो नहीं चाहता कि ये और तड़पे. हालांकि ये उसकी कोशिश है जो हमें यहाँ पे दिखती है एंड यही कोशिश को जारी रखना चाहता है. सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो उसका टोटल विपरीत है, टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस धनुराशि. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चाहता है कि भाई शुरुआत तो करे ये एंड मे बी एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा व्यक्ति उसे मिले जिसके साथ एक नई शुरुआत वो कर पाए जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी उसे छू ना पाए. हालांकि अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोबारा से उस व्यक्ति से वो जुड़ता है किसी न किसी वजह से, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था या फिर बातें सही नहीं हो रही थी, तो दोबारा से रिश्ता सही हो जाए. हालांकि ये नहीं चाहता कि वो रिश्ता सही करने के लिए वो और ज्यादा समय दे. अगर रिश्ता जुड़ना है तुरंत जुड़ जाए किसी भी वजह से, चाहे आपका कॉल आ जाए उनको या फिर उनका कॉल आ जाए आपको, जो भी हो जाए, दैट इज द वन थिंग. हालांकि ये जो रीडिंग है वो जिस तरह से हमने कहा कि तन्हा तेरे बगैर, वो आपको भी ज्यादा रेजोनेट कर सकता है अगर आप इस कार्ड की मीनिंग को डीप डाउन समझे तो. ठीक है, ये कुछ कार्ड आ गए हैं. जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स. बेसिकली मन में तो इनके कोई भी फॉल्ट नहीं है, ना ही नेगेटिविटी है. वो नहीं चाहते कि आप इनके बारे में कुछ गलत सोचे. साथ में चाहते हैं कि भाई कोशिश करे जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की. ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी वो साथ में ले जाना नहीं चाहते, दैट इज द वन थिंग. एक अच्छी शुरुआत, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन है, तो मन उनको हेल्दी रखना चाहते हैं, मन में कोई भी मैल नहीं रखना चाहते. पर हमें पता है कि कई बार जब हमारा मन जो है वो अगर सही अवस्था में ना हो या फिर उसमें क्रोध भरा हो, वेंजेंस भरा हो, अगर उसमें दर्द भरा हो, तो हम ना तो ठीक से सो पाते हैं, ना तो ठीक से खा पाते हैं, ना ही ठीक से काम कर पाते हैं. तो वो एक चीज हमें यहाँ पे दिखती है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन जब शुरू हो तो तुरंत शुरू हो. और अगर आप कम्युनिकेशन शुरू करने जा रहे हो, ये झट से, मतलब कहते ना कि जैसे कि हम किसी को फोन करेंगे भाई तुरंत मिलो तो वो आ जाता है कैसे भी करके, वैसे ही आएंगे. अगर आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया तो ये पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेशन शुरू कर देगी, चलो भाई मैं तो रेडी हूँ, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एक बार आपकी तरफ से हिंट मिलने दो, यू आर रेडी, एंड फिर आप देखो कि मैं किस तरह से आपकी यहाँ पे आता. ऐसे कार्ड में मिला है वह फोर ऑफ वॉन्ट्स, एरीज, लियो, सैज. ये कार्ड तो भाई क्या कहना है इसका, दैट इज अ वंडरफुल खूबसूरत कार्ड. ये पर्सन तो भाई रिश्ते के लिए रेडी है या फिर कमिटमेंट के लिए रेडी है. ठीक, पहले शायद ये रेडी था, नहीं था. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं लेकिन केवल कमिटमेंट के लिए कोई पर्सन रेडी नहीं है, या फिर उसे नहीं पता वो कब रेडी होगा, इसलिए कुछ रिश्ते टूट जाते हैं. यहाँ पे ये पर्सन अब समझ चुका है कि नहीं भाई ये बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी वो रेडी हमें दिख रहा है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज. अगर हम इसकी बात करें तो यस, ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई एम रेडी. एंड यहाँ पे इस पर्सन मतलब अगर वो पहले समय नहीं दे पा रहा था आपको, या फिर इवन खुद की लाइफ को, कई लोग हमें मिलते हैं कि जो बस प्रोजेक्ट करते रहते हैं, काम के पीछे दीवाने होते हैं. आज हमने ये अचीव कर दिया, आज मैंने इतना काम कर दिया, ठीक है भाई, लेकिन क्या आपने खुद के लिए समय निकाला? आप लास्ट टाइम आउटिंग के लिए कब गए थे? आपने एडवेंचरस कब किया था? आपने फाइनली अपने फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम कब बिताया था? अपने लवर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने समय कब निकाला था? बिकॉज यही तो है आपके लिए सबसे जरूरी, है ना. काम अपनी जगह पे है एंड आपकी लाइफ अपनी जगह पे है. तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे पहले जैसी गलतियां नहीं करनी. जो अब कब्स, तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है. ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई एम रेडी टू डिवोट माई टाइम. अब वो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करना चाहते. यानी कि मे भी ये समझ चुके हैं कि जिंदगी में जब आप अकेले पड़ जाते हो,
तो होता क्या है और कैसे आप किसी को मिस करते हो, उसके बाद क्या होता है, इनको अब पता चल चुका है। वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक निराशा से मुक्ति पाने वाला जीवन पाना चाहते हैं। ये नहीं कि भी मेरे पास तो सब कुछ है बट जिससे बात करूं वही नहीं है। होता ना ऐसा कि अगर हमने किसी के लिए समय नहीं निकाला तो वो फिर हमारे लिए समय नहीं निकालेगा। ये एक्चुअली में होता है, तो चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर प्यार हो, अगर जब उनको ज़रूरत है हम उनको समय नहीं देते तो हमें वो कैसे समय देंगे। नेक्स्ट जो है वो है द एम्परर एरीज। तो मेल ईगो जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो या तो टूट टूट के बिखर रहा है, ठीक, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे किसी को एक मौका देना चाहिए, तो आप एक मौका देके देख सकते हैं कि क्या होता है, क्या सच में ये पर्सन आपकी बात सुनता भी है या नहीं। क्योंकि अगर ये बात नहीं सुनता तो उनकी ज़िंदगी में हमें बस कश्मकश के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। एरीज़ जहाँ पे ये बस लड़ झगड़ रहे हैं सिर्फ एक खुशी का पल पाने के लिए, यानी कि इनको पता है कि अगर उन्होंने अपना ईगो नहीं त्याग दिया, अगर वापस से वही बिहेवियर रख दिया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, एंड इसलिए वो अपना ईगो त्यागने के लिए रेडी है। पेज ऑफ सॉर्ड, जिसके हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति लैंडिंग कर रही है, फिर इस व्यक्ति के पास यू नो अब अंडरस्टैंडिंग आ चुकी कि नहीं भी मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ओरेकल से और हमें क्या गाइडेंस मिलता है, ठीक है, लेट्स सी। एंड हियर वी गो, चलो ये आ गया पहला कार्ड, एंड ये है भाई ड्रीम। ये पर्सन सपने देख रहा है, ठीक है, एंड सपने देख रहा है, इसको अब उसके सपने पूरे करने हैं। ये नहीं कि बस मैंने सपने देखे, नहीं भाई अब तो पूरे भी करने हैं। कई लोग होते हैं ना कि बस सपने देखते रहते हैं लेकिन उनको भी पूरे ही नहीं होते, ये पर्सन अब उससे उभर गया है। उसने देखा है कि जब ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होता है, जब स्टॉर्म आता है या फिर यू नो जैसे कहते हैं जब जिंदगी उखड़ जाती है तो क्या होता है, उनको पता है, उससे वो गुजर चुके हैं, यानी कि अब वो दोबारा से वैसी गलती नहीं करना चाहेंगे। उनके लिए अब इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ पाना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है स्ट्रेंथ में, ऐसा कोई पर्सन हमारे साथ हो जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करे, फिर चाहे वो फैमिली हो, यू नो सबसे अच्छा दोस्त हो या हमारा प्यार हो, तो वही बात अब इनको समझ में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है इटर्नल। अब ये समझ चुके हैं कि प्यार जो है वो इटर्नल होता है एंड वो फील करना होता है। ये नहीं कि बस हमने बोल दिया, किसी को मैसेज कर दिया, आई लव यू, हो गया काम, नहीं भाई, अंदर से महसूस होना होता है, है ना। तो चाहे आप उनके लिए छोटे सा गिफ्ट खरीदो ना खरीदो, लेकिन अगर आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, मान लो उनके दिल की हरकत अचानक से तेज हो गई और आप तुरंत वहां पे आ जाते हो, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड यही बात अब वो समझने लगे हैं, दैट इज द वन थिंग। देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है फ्लैश ऑफ इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। अभी पर्सन जो है वो अब चीज़ों को समझ रहा है, जो कि बढ़िया बात है। अब इसे लग रहा है कि नहीं भाई, मैंने जो पहले गलतियाँ की थी, मुझे वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी, अपने गलतियों से सीख रहा है, जो कि एक बढ़िया बात है अगर हम कहें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लवर। सेकेंड जो है वो है इनडिसिसिवनेस। जो चीज़ उनके लिए काफ़ी निराशादायक थी वो क्या थी, कि वो समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। डिसीजन लेना मतलब क्या, जैसे कि मान लो उनकी फैमिली एक तरफ है, एक तरफ उनका जॉब है, एक तरफ फ्रेंड्स, एक तरफ आप है, उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, यानी होता ही है, है ना। अगर हम नहीं करते तो हमें भुगतना पड़ता है, एंड वही चीज़ इनकी ज़िंदगी में लैंड कर चुके, वो भुगत चुके हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। वे आउट वो ढूंढ रहे हैं कि भाई अब कैसे भी करके मुझे इससे वे आउट चाहिए, अब मुझे और नहीं अटकना है, ये उनकी कोशिश हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भी इंडिविजुअल। ये अकेले रह चुके हैं, अकेले रहने का दर्द इनको पता है क्या होता है, एंड अब ये ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जल्द से जल्द कम्युनिकेशन हो जाए, आप उनको सपोर्ट करें, यही वो चाहते हैं, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो उनका पहले बिहेवियर था, समय नहीं दे रहे थे या फिर उटपटांग हरकतें कर रहे थे, अब उसको विरोध कर रहे हैं। इनके हिसाब से अब समय आ चुका है जब इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आने जरूरी है। तो अब अगर आप इनको मिलोगे, बातें होंगी, तो काफ़ी सारा बदलाव आपको इनमें देखने को मिलेगा। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।